दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। बात करते हैं अमेठी में क्यों उतारना चाहते हैं अखिलेश यादव अपना कैंडिडेट। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराई है और राहुल गांधी का बदला अखिलेश यादव पूरा करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस वहां पे नहीं जीत रही है तो अखिलेश यादव मान गए कि यहाँ पे किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो समाजवादी पार्टी का जो कि कैंडिडेट खड़ा करना ही होगा। आपको बताते चले कि सपा अपने गठन के बाद सिर्फ अमेठी लोकसभा सीट पर दो बार चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसमें पहली बार 1998 में शिव प्रसाद कश्यप ने और 1999 में कमरुज्जमा फौजी ने सपा से किस्मत आजमाई थी। सपा के दोनों ही उम्मीदवार अमेठी में कोई खास करिश्मा हालांकि नहीं कर पाए थे। इसके बाद से सपा ने कभी अपना उम्मीदवार प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन समीकरण अब चेंज हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के अमेठी से हार जाने के बाद सारे सियासी समीकरण बदल गए हैं। स्मृति ईरानी बीजेपी से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। राहुल की हार के बाद से गांधी परिवार का अमेठी से मोह भंग हो गया है। पिछले 5 सालों से राहुल गांधी गिनती के दो तीन बार ही अमेठी आए हैं। कांग्रेस अमेठी में लगातार कमजोर होती जा रही है, तो सपा चाह रही कि राहुल गांधी और कांग्रेस को हराने का बदला अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतार कर लेने की तैयारी में। इस तरह से बहुत आपको बता दूं कि कांग्रेस भी ये चाल को चलना चाहती है। अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो 2 दशक के बाद चुनावी मैदान में सपा होगी। 1999 के बाद सपा ने अमेठी सीट पर कभी भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। राहुल गांधी को अमेठी सीट पर वॉक ओवर समाजवादी पार्टी देती थी, लेकिन अब कांग्रेस की हार के बाद अखिलेश यादव कांग्रेस मतलब राहुल गांधी का बदला लेने के लिए जो कि चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी उतारना चाह रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को अमेठी पहुंचे थे, जहां उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने के संकेत दे दिए। अखिलेश ने कहा कि अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी है। यहाँ की संसदीय सीट से हमेशा बीआईपी चुनाव जीते और हारे हैं। यहाँ का ऐसा हाल तो बाकी प्रदेश में क्या होगा, इसको लेकर अखिलेश यादव ने चैलेंज दे दिया। 2024 में अखिलेश यादव अमेठी से अपना प्रत्याशी उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कड़ा जवाब देना चाहते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि वहां के अमेठी की जनता, मैं आपको बता दूं कि अमेठी की जनता चाह रही कि किसी भी तरह से कांग्रेस अगर कमजोर हुई तो सपा यहां से प्रत्याशी उतारे, ताकि समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी को जो कि हराने का काम किया जाए। इस तरह से समाजवादी पार्टी का एक नया जो कि स्ट्रेटजी है, इसमें कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ है। आने वाले समय में आपको बता दूं कांग्रेस साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन होना तय माना जा रहा है। गोदी मीडिया कुछ भी बोले, गोदी मीडिया को सुनना नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं फाइनल है। जितनी वीडियो बनाता हूं लगातार सही होती है, कोई वीडियो गलत है तो मुझे टैग करके बता दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।